हेलो माय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कुकिंग में। गर्मी आने वाली है और खीरे का इस्तेमाल बहुत बढ़ने वाला है। खीरा बहुत फ़ायदा देता है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है और मिनरल बहुत ज़्यादा होते हैं पानी के साथ हम मिलने वाले, और इसलिए खीरे को सलाद के तौर पे यूज़ किया जाता है। लेकिन खीरे के साथ एक बहुत बेसिक समस्या है कि खीरे को काटना बहुत मुश्किल होता है। खीरा काटने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ही उसके बाद भी अक्सर कड़वा रह जाता है, जो कि दिक्कत करता है। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे खीरे को आप 2 सेकंड में बहुत अच्छे से उसके कड़वाहट को बिल्कुल ज़ीरो कर सकते हैं, यानी खीरा एकदम मीठा हो जाएगा और लगेंगे 2 सेकंड। पहले तो मैं आपको परंपरागत तरीका बताता हूँ कि खीरे को काटा कैसे जाता है। परंपरागत तरीके से इस साइड से पीस अलग कर दिया जाता है। इधर में नमक लेते हैं और नमक लेने के बाद एक लंबा प्रोसेस शुरू होता है इस तरीके से घिसने का। ये झाग सा इसमें से निकलता है, ये कड़वाट होता है, निकल इससे भी जाता है कड़वाट, लेकिन आपको काफ़ी देर तक इसे इस तरीके से घिसना पड़ता है। आप घिसते रहते हैं, इसमें से एक लिक्विड सा निकलता रहता है जिसमें कि इसका ज़्यादातर कड़वाट होता है। इसे मैं आपको दिखाऊँ तो ये मुझे अभी कहते हुए लगभग 45 सेकंड हो गए हैं और ये चलता रहेगा 2 मिनट 2.5 मिनट तक इसे करना होता है। देखिए इस तरीके से इसमें से पानी निकलने लगता है। ये तरीका परंपरागत है जो हमेशा से यूज़ किया जाता है, लेकिन मुझे किसी ने एक बार एक ऐसा तरीका सिखाया था कि जो बहुत ही अमेजिंग था। आप जस्ट खीरा लीजिए, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं। खीरे को ऐसे पकड़िए दोनों साइड से, यानी इधर भी बराबर होना चाहिए और इधर भी बराबर होना चाहिए, और एक फोर्सफुल झटके के साथ इस खीरे को 2 पीस में तोड़ देना है। अब ये खीरा उस खीरे से ज़्यादा मीठा है, इसे काटिए और खा जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आपको यकीन नहीं आया होगा, आप ट्राई कीजिएगा। ये एक ऐसा तरीका है जिससे 2 सेकंड में खीरा हो जाएगा चीनी जैसा मीठा। आप ट्राई करेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, आपका बहुत टाइम बचेगा, आपको ऐसे घिसने की ज़रूरत नहीं है। खीरा ऐसे तोड़िए, छीलिए, ये छिलक के साथ भी खाइए, छिलक भी कड़वा नहीं रहता इसमें इसका, ये बिल्कुल मीठा हो जाता है। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ट्राई करेंगे तो यकीन भी आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आता रहूँगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ये जितने लोगों तक जाए उनको लाभ पहुँचाए। खीरे के साथ ये झंझट ना करना पड़े, ये काम कीजिए और इसका लाभ उठाइए। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।